प्लीज़ गाइस ये मत सोचना है कि मैं क्या शो अप कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया और क्यों अपलोड किया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी लाइफ के 5 मिनट इस वीडियो को दे देना मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे यूटूब की जो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी इससे मैंने कुछ ज़रूरतमंदों को खाना अरेंज किया सौ लोगों का मैंने खाना अरेंज किया इसमें छः रोटी एक सब्ज़ी हलवा और पानी की बोतल थी और कुछ लोगों को इडली सांभर और अपना डोसा भी अरेंज किया मतलब जो मेरे से बेस्ट हो पाया वो मैंने किया तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आगे देखिएगा मैं आपको रीज़न बताता हूँ शायद कुछ लोगों का और भला हो सके मैं कोई सच्चाई की चैन लेके नहीं बैठा हूँ लेकिन प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करना और प्लीज़ अपनी लाइफ के चार पाँच मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये देख लेना प्लीज़ गाइस प्लीज़ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे तो यार आप सबको पता है कि मैं लाइफ के एक बहुत गंदे टाइम से निकला हूँ मतलब कि एक टाइम पर मैं दस रुपये की पानी पूरी खा के ना पूरा दिन निकाल देता था क्योंकि मेरी कंडीशन ये हद तक हो गई थी या फिर जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था ऐसा नहीं है कि मैं एक मतलब कि लाइफ नॉर्मल लाइफ जीवन जीवने के लिए जो सब चाहिए रहता है वो मेरे घर में था सब कुछ ठीक था पर लाइफ के दो ढाई साल बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में निकले हैं मतलब जब मैं अपनी लाइफ का एक गंदा टाइम फेस कर रहा था ना तो उस समय हमेशा सोचता था कि कभी अगर लाइफ में थोड़ा सा भी मैं कामयाब हुआ या फिर इस लाइफ बन पाया तो ज़रूरतमंदों का पेट जरूर भरूंगा भले ही वो एक बंदे का भर पाऊं दो का भर पाऊं दस का भर पाऊं तो इसलिए आज मैंने सौ बंदों को सौ ज़रूरतमंदों का एक टाइम का खाना खिलाया तो अच्छा लग रहा है तो। अभी तो खैर अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या था रीजन तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि यही था क्योंकि यार एक भूखे पेट की जो तकलीफ होती है ना वो बहुत दर्दनाक होती है और वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ मतलब कि मंदिर में एक रुपए का खाना मिलता था खजराना मंदिर में कई बार मैंने वो भी खाया मतलब इस हद तक मैं परेशान हो चुका था ना कि लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था सामान निकाल दिया था मेरी बाइक ले ली थी मतलब इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था कि भाई तू मर जा तेरी ना इस दुनिया में जरूरत है ना किसी को जरूरत है ना तेरी कोई औकात है लेकिन निकला उस टाइम से भी निकला और सब ठीक है तो ये था रीजन कि मैंने ये काम किया और मैंने क्यों अपलोड किया ये वीडियो और मैं वो आपको बताता मैंने आज तक ये बात अपने घर नहीं बताई जब ये वो वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि मैं इस फेज से भी गुजरा हुआ हूं क्योंकि लड़के ऐसे ही होते हैं ना यार जब एक बार घर से निकल जाते हैं तो फिर इतना लोड नहीं देते अपने घर वालों पर मम्मी पापा पर कुछ शेयर नहीं करते कुछ चीजें बहुत सारी चीजें क्योंकि मैं इंदौर में रहता था और मेरे मम्मी पापा रहते हैं गुना में तो ये तो था सीन मेरा जरूरतमंदों को खाना खिलाने का और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो अपलोड क्यों किया देखो यार ये वीडियो चार पांच हजार लोग तो देख ही लेंगे जो यूके आने वाले हैं आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो भी उनका रीजन है तो वो चार पांच हजार लोगों में से कम से कम एक दो हजार लोग तो यूके आ ही जाएंगे डेफिनेटली ये तो कंफर्म है तो बस मेरा मतलब मैं कोई सच्चाई की चैन नहीं चलाने आया हूं या फिर कोई वो नहीं बोल रहा हूं कि यार सच्चाई की चैन चलाते हैं और दुनिया ठीक करते हैं इन ऑल बस मेरा एक ही मोटो है कि यार अगर दो हजार लोग भी अगर यूके आएंगे और ठीक है आप लाइफ में जब कामयाब हो जाओगे जब सेटल हो जाओगे ये तो कन्फर्म है कि पैसे वाले तो बन जाओगे आप आने वाले टाइम में यूके आने के बाद तो यार अगर आपसे जो भी बने यार एक लोग दस लोग पंद्रह लोग सौ लोग पचास लोग अगर कभी भी एक टाइम का उनका ना पेट भी भर पाए ना तो बस कर देना यार तो वीडियो अपलोड करने का यही रीजन है कि अगर यू के जो सौ बंदे भी आ गए यार मान लो कि सौ बंदों ने भी ये सोच लिया कि उनको जरूरतमंदों को हेल्प करनी है और एक बंदा अगर पचास लोग का सौ लोग का भी अगर हेल्प करता है ना एक टाइम का भी तो सोचो हजारों लोगों का एक टाइम का पेट भर सकते हैं मतलब आप यार इस वीडियो को गलत भी मत ले लेना कि ये बड़ा धर्मात्मा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत तरीके का सोच लेते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि यार ढालना चाहिए तो मैंने कर दिया अगर इस वीडियो से किसी को भी तकलीफ हो दुख हो बुरा लगे या फिर कुछ भी ऐसा गलत लगे तो भाई आप लोगों को दिल से ए, माफी मांगता हूं आप लोगों से सॉरी गलत भी में मत लेना जो था यार वो कर डाल दिया अब आप, आप के हाथ में है आप इसको किस तरीके से लेते हो या समझते हो तो यही था रीजन जो मैंने आपको बता दिया है सो so, बाय